देश की संपत्ति को नौजवानों के हाथों बर्बाद होना ये सबसे बड़ा बदकिस्मत बात है। सोशल एलिमेंट ऐसी भीड़ में शामिल होते हैं, वो वायलेंस करते हैं और नाम लगता है उनका जो प्रोटेस्ट करते हैं। यही देखिए जुमे की नमाजों में हुआ 10 जून को, कि उसमें जो आम नमाजी था वो उसमें शरीक नहीं हुआ, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उसको वायलेंट बनाया और उसका इल्जाम नमाजियों के ऊपर लगा, उसका इल्जाम जुमे के ऊपर लगा। यही अग्निपथ में हो रहा है कि अग्निपथ में स्टूडेंट्स आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट कुछ पॉलिटिकली इंटरेस्टेड लोग उसमें शामिल होके उसको वायलेंट बना रहे हैं, तो उसका इल्जाम आप लड़कों के ऊपर नहीं दे सकते। 4 साल के बाद रिटायर होके बाहर आएगा, इसको आप सिक्योरिटी गार्ड जैसी नौकरी देंगे तो इसको वो सम्मान नहीं दे सकेंगे जो एक सेनानी का होता है, जो एक फौजी का होता है। उसको वो सम्मान भी चाहिए होगा, क्योंकि उसकी आदत उसे पड़ चुकी होती है 4 साल में कि वो सम्मानित जीवन जिए, उसको समाज में ऑनर मिले। तो आप अगर सिक्योरिटी कंपनीज में उनको लगा देंगे या एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर का गुलाम उनको बना देंगे, एक ऑफिस का चौकीदार बन जाएगा तो ये तो वो सम्मान नहीं होगा। इसीलिए सवाल है कि बीजेपी के एक लीडर का ये बयान इंतहाई बदकिस्मत बयान है कि सरकार का एक ट्रेंड रहा है कि ये अवामी मफाद की जो स्कीम्स भी लेकर आई वो उस तमाम में सरकार को अवाम का विरोध झेलना पड़ा है। वो चाहे डीमोनेटाइजेशन हो जहाँ से शुरुआत की थी, फिर GST हो, उसके बाद CAA लेकर आए, उसके बाद फिर किसानों के बिल लेकर आए और अब ये अग्निपथ लेकर आए हैं। कोई एक भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें लार्जर इंटरेस्ट अवाम का सरकार ने बताया और फिर उसमें अवाम ने उसका विरोध ना किया। और आखिरकार हमने देखा है कि या तो डीमोनेटाइजेशन हो जिसमें नोटबंदी के बाद उन्होंने नोट के चेंज कर दिए थे, 500 के 1000 के नोट इनवैलिड करके नए, हमने देखा कि उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जो सरकार ने दावे किए थे कि इससे ये फायदे होंगे, टेररिज्म बंद हो जाएगा, ग्रोथ बढ़ेगा, जाली नोट बंद हो जाएंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और हालात ख़राब हो गए। और हम देख रहे हैं कि 500 का नोट अपनी जगह चल रहा है, वही सिर्फ ये कि उसका कलर चेंज हो गया, और वही 500 का नोट, 2000 का नोट मार्केट में बहुत कम मिल रहा है, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर आप देखिए CAA के मूवमेंट में आज तक 2019 से लेके रूल्स नहीं बना सके और कितना बड़ा मुल्कगीर बल्कि आलमगीर किस्म का एक मूवमेंट खड़ा हो गया। आज तक सरकार उसके नाम पर लोगों को गिरफ्तार करती है, हैरेस करती है, सब करती है, लेकिन सरकार से पूछें कि आपने NRC और CAA पे क्या किया, तो NRC पर भी होम मिनिस्टर ने कहा था कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन NRC तो आज तक आया नहीं और आएगा भी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो एक दावा था सरकार का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। नतीजे में जो असम में NRC हुआ उसको भी, वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC था, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। नए NRC की कोई ना ज़रूरत है ना उसकी उम्मीद है, पर सरकारी दावा था। CAA को पे किसी को अभी तक 4-5 लोगों को कुल मिला के सिटीजनशिप मिली होगी, जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा सरकार ने किया और आज तक उसके रूल्स नहीं बने। इसी तरीके से अब ये जो किसान मूवमेंट लाए, 1 साल किसान बैठे रहे, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई उसमें, और उनको भी कभी खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी जिहादी कहा, मुख्तलिफ उनवानात से उस मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार सरकार को बिल वापस लेने पड़े, 3 बिल वापस लेने पड़े। तो ये जितनी चीज़ें हैं यही अब अग्निपथ का है। आप जिसके लिए स्कीम लाए हैं आप उससे कंसल्ट करें, स्टेक होल्डर्स होते हैं, हर स्कीम के स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स हैं, हमारा यूथ है, और इंडिया की ये खसूसियत है हमारी कि इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक में जो भारत है उसे यंग इंडिया कहा जाता है, नौजवान इंडिया। अभी हम 60% के करीब जो है 17 से लेके 30 साल की उम्र के लोग हैं, जो दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में नहीं पाए जाते। इतना बड़ा रिसोर्स हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स है, और सरकार उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती बल्कि उसको एक्सप्लॉइट करना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसे पूरा मुल्क समझ रहा है, अवाम समझ रहे हैं, नौजवान समझ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी समझ रही हैं, लेकिन सरकार जो है वो यही कह रही है कि आप समझ नहीं रहे। ऐसा क्यों है कि पिछले कुछ सालों से सरकार जो भी स्कीम लाती है आप लोग उसका विरोध करते हैं? कोई भी स्कीम आई हो आप लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, वो अभी लागू भी नहीं, हो सकता है वो फायदे के लिए हो, अभी जैसे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है लेकिन उससे पहले ही विरोध शुरू हो गया, आप लोग के ऊपर इल्जाम है कि भ्रमित कर रहे हैं युवाओं को, तो क्या अब ये हो गया कि सरकार कोई भी स्कीम लाएगी तो उसका विरोध कर रहा है? देखिए मसला सिर्फ हमारे विरोध का नहीं है, मसला ये है कि प्रैक्टिकली उसकी फिजिबिलिटी थी या नहीं थी, वो हालात साबित कर देते हैं। आप देखिए
मैंने डिमोनेटाइजेशन का जिक्र किया, क्या वो फ्लॉप नहीं हुआ ऑन द ग्राउंड? तो जो विरोध किया जा रहा था, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि सरकार जो कुछ सोचे और सरकार जो सोचती है उस पर मशवरा नहीं करती है। बहुत बड़ा अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है सरकार का कि सरकार अपनी कैबिनेट में खुद ही सोच लेती है, स्टेक होल्डर्स के साथ कोई मशवरा नहीं करती। तो जब सरकार स्टेक होल्डर से मशवरा किए बगैर अपने आप को जो है सबसे ज्यादा समझदार समझेगी और फिर वो डिमोनेटाइजेशन लागू करती है, 150 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए, जमीन पे तो कुछ भी नहीं हुआ, जमीन पे कोई फायदा हुआ उसका? किसानों के मूवमेंट को आप देखिए कि किसानों के लिए जो 3 बिल लाए थे उस पर जमीन पे कोई फायदा होने की उम्मीद नहीं थी, सरकार दावा करती रही कि किसान समझ नहीं रहे। अब 90% किसानों को आपने कहा ये समझदार नहीं है, लेकिन आपने फिर क्यों वापस लिया? यही अग्निपथ का किस्सा है कि आप ये कह रहे हैं कि बच्चे नहीं समझ रहे, मुल्क नहीं समझ रहा, सिर्फ आप समझ रहे। तो ये जो सेल्फ प्रेजिंग है, ये इस सरकार का एटीट्यूड है जिसकी वजह से नुकसानात होते रहे हैं, बार बार हमने नुकसान उठाए हैं। विरोध के नाम पर जो हिंसा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आगजनी हो रही है और जगह जगह ट्रेनों को बसों को जलाया जा रहा है, यहाँ तक कि ट्रेनों में लूट मार की भी खबरें आ रही है। इस तरह इन चीज़ों को विरोध की आड़ में ये सब भी किया जा रहा है, इन चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई क्वेश्चन की गुंजाइश ही नहीं है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट की इजाज़त है, वायलेंस की इजाजत नहीं है। तो ये लोग कर रहे हैं वायलेंस, किसी भी महजब समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। और हम ये देख रहे हैं कि बार बार मुख्तलिफ इश्यूज पे इस मुल्क में वायलेंस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हम वायलेंस को चाहे जितना क्रिटिसाइज करें, कंडेम करें, सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वायलेंस क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सरकार के पास कोई आंकड़े होने चाहिए कि आखिर आवाम में और समाज में इतना असहनशीलता, जो बर्दाश्त की कुव्वत है वो ओवरऑल सोसाइटी में कम होती चली जा रही है। तो जो ये समाज में, भारतीय समाज में कुव्वत बर्दाश्त की जो कमी व्यापक रूप से बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हो रही है, ये सवाल यहाँ पैदा होता है। अगर कोई स्कीम समझ में नहीं आ रही तो नेताओं के पास जाए, भाजपा कार्यालय में जाए, और आप देश की संपत्ति को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं लोग, तो ये चीज़ सही नहीं है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि देश की संपत्ति को नौजवानों के हाथों बर्बाद होना ये सबसे बड़ा बदकिस्मत वाक्य है। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि मॉब, भीड़ जब कभी भी बाहर आती है, जितनी बड़ी तादाद में हो, उस भीड़ का सड़कों पे आना आम तौर पर उसमें अनसोशल एलिमेंट दाखिल होते ही होते हैं। सर, यात्रियों को लूटा जा रहा है, वही मैं कह रहा हूँ कि वो उसमें एंटी सोशल एलिमेंट ऐसी भीड़ में शामिल होते हैं, वो वायलेंस करते हैं और नाम लगता है उनका जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही देखिए जुमे की नमाजों में हुआ 10 जून को, कि उसमें जो आम नमाजी था वो उसमें शरीक नहीं हुआ, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उसको वायलेंट बनाया और उसका इल्ज़ाम नमाजियों के ऊपर लगा, उसका इल्ज़ाम जुमे के ऊपर लगा। यही अग्निपथ में हो रहा है कि अग्निपथ में स्टूडेंट्स आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट, कुछ पॉलिटिकली इंटरेस्टेड लोग उसमें शामिल होकर उसको वायलेंट बना रहे हैं। तो उसका इल्ज़ाम आप लड़कों के ऊपर नहीं दे सकते, आपको देखना पड़ेगा 2 फैक्टर पे। नंबर 1 के ये जो समाज में मैं कह रहा हूँ कि कुव्वत बर्दाश्त की कमी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है, तो ये कुव्वत बर्दाश्त क्यों कम हो रही है समाज की? ऐसी बेचैनी क्या है, ऐसा इस्तराब समाज में क्या पैदा हुआ है कि हमारी बर्दाश्त कम होती चली जा रही है? तो कुछ ना कुछ तो हमारी सरकार की तरफ से ऐसी चीज़ें की जा रही हैं कि समाज में अदम बर्दाश्त का मादा बढ़ रहा है। तो उसके मुझे लगता है कि बहुत बड़ी वजह यह है कि रूलिंग पार्टी मुस्तकिल जिस किस्म का प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए कर रही है, उसमें समाजी दूरियाँ वो बढ़ा रही है, और समाज में जब 2 तबकों के बीच दूरियां बढ़ाती हैं तो एक माइंडसेट बन रहा है अलगाव का, अलहदगी का, और वो टेंशन क्रिएट कर रहा है। फिर जो रोजगार के मुद्दे हैं वो हल नहीं हो रहे, झूठे वादे हो रहे हैं और वादों पर अमल नहीं हो रहा, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। तो एक तरफ बेरोजगारी, आमदनी कम हो रही है, दूसरी तरफ कीमतें बढ़ती जा रही हैं, घर के किचन के खर्चे नहीं चल रहे, तीसरी तरफ समाज को फिरकावराना बुनियादों पे बांटने के लिए मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन चला, ये सारी चीज़ें कुल मिला के एक आम आदमी के अंदर अदम बर्दाश्त का मादा पैदा कर रही है जो दिखाई दे रहा है। इस सूरत में तो आप अदम इस तशद्दुद के लिए सिर्फ प्रोटेस्टर को जिम्मेदार करार ना दें,
बल्कि उसमें एक एंटी सोशल एलिमेंट्स के किरदार को हुकूमत को सामने लाना चाहिए, और खुद हुकूमत का जो अंदाज है, तर्ज हुकूमत है, वो तर्ज हुकूमत समाज को बांट के उसके अंदर अदम बर्दाश्त के मादा पैदा करना। भाजपा के एक बड़े नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उनका आज एक बयान आया है कि जो ये 4 साल जॉब करने के बाद जो अग्निवीर होंगे इनको हम अपने बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रख लेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? कितने अग्निवीरों को रखेंगे? एक बात, भाजपा में के कितने दफ्तर हैं? 700 दफ्तर ज्यादा से ज्यादा हर जिले में, अगर उन्होंने समझा, हालांकि हर जिले में उनका दफ्तर नहीं है, लेकिन अगर मान लें कि 700 दफ्तरों में आप रख लेंगे तो कितने लोगों को रख लेंगे? एक दफ्तर में आप 10 आदमी को रखेंगे तो 7,000 आदमी, तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे? ये और ये एक शरारत है कि आप बीजेपी के दफ्तर में क्यों रखना चाहते हैं? क्या भारत में हमेशा बीजेपी की सरकार रहेगी? ये गलतफहमी कैसे पैदा हो गई? देश के जवान आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, और आप देश के टैक्स पेयर के पैसे से बीजेपी के सिक्योरिटी ऑफिसर बना रहे हैं क्या? ये तो देश के टैक्स पेयर का पैसा है, हमारा बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है, ये जो 17 से 25 साल की उम्र का है, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है। आप इसको आर्मी की ट्रेनिंग दे के, आर्मी की क्या जरूरत बीजेपी को है? आर्मी से ट्रेंड गार्ड की बीजेपी के दफ्तर को, एक सियासी पार्टी के दफ्तर को क्या जरूरत है? ये सवाल का जवाब विजयवर्गीय साहब से पूछना चाहिए कि बीजेपी के दफ्तर को एक ट्रेंड आर्मी पर्सन की जरूरत आखिर क्यों है? सर, ये आर्मी का अपमान भी तो है, क्योंकि वो एक सेना के जवान जब रिटायर होकर आएंगे, ये अब सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, अब आर्मी के जवान सिक्योरिटी गार्ड के लिए होंगे? देखिए, अभी बहुत सुशांत साहब का एक मजमून इंडियन एक्सप्रेस में कल छपा था, उसमें उन्होंने इसका पूरा पोस्टमार्टम किया, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि एक सम्मान होता है आर्मी में, जब कोई आदमी काम कर रहा होता है तो जहां उसको एक तरफ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, दूसरी तरफ उसको एक सम्मान मिलता है, और वो सम्मान वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी पूर्व सेनानी के तौर पर उसको मिलता रहता है। यही उन्होंने कहा कि जब ये 4 साल के बाद रिटायर होके बाहर आएगा तो इसको आप सिक्योरिटी गार्ड जैसी नौकरी देंगे तो इसको वो सम्मान नहीं दे सकेंगे जो एक सेनानी का होता है, जो एक फौजी का होता है, उसको वो सम्मान भी चाहिए होगा, क्योंकि उसकी आदत उसे पड़ चुकी होती है 4 साल में कि वो सम्मानित जीवन जिए, उसको समाज में ऑनर मिले। तो आप अगर सिक्योरिटी कंपनीज में उनको लगा देंगे, या एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर का गुलाम उनको बना देंगे, एक ऑफिस का चौकीदार बन जाएगा तो ये तो वो सम्मान नहीं होगा। इसीलिए सवाल है कि बीजेपी के एक लीडर का ये बयान इंतहा बदकिस्मत बयान है, और ये जाहिर कर रहा है कि असल नीयत भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की क्या है इसके पीछे, कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा इस्तेमाल करें और उस पैसे से आप ट्रेनिंग दें, और उसके बाद बीजेपी के दफ्तर में, वो न सिर्फ ये के दफ्तर में मुलाजमत कर रहा होगा बल्कि बीजेपी की जो नफरत की आइडियोलॉजी है उसको भी प्रमोट कर रहा होगा। तो ये जो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि वो आप उससे बीजेपी की जो अलगाव की राजनीति है, बीजेपी की जो फिरकावाराना राजनीति है, जो कम्युनल ज़हनियत है भारतीय जनता पार्टी की, आप उसके लिए एक्स आर्मी मैन को यूज़ करना चाहते हैं। इससे बड़ा खतरा इस देश के लिए दूसरा नहीं हो सकता। इससे पहले